विकास मानव सभ्यता को आगे ले जाती है तो पर्यावरण, जंगल, जानवरों को सदैव नुकसान पहुंचाता है। परंतु फिर भी हमें विकास तो चाहिए ही, और ये हम सब जानते हैं। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे में अभी हाल में 11,000 पेड़ कटने लगे हैं। कई एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाएं इस मुद्दे पर बेबाकी से आगे आए हैं। इसी मुद्दे पर हमारी संस्था अग्याल ने भी एक मुहिम को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बीज बॉम्ब बनाने की मुहिम स्टार्ट की है। इसमें हमारे साथ यूपीएस के छात्र, अग्याल के स्वयंसेवी वॉलंटियर्स, दून डिफेंस एकेडमी के महावीर सिंह गुसाई जी और कुछ स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे भी इसमें हमारे साथ जुड़े हैं। अलग अलग उम्र के, अलग अलग तजुर्बों को रखते हुए, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले इन लोगों ने ठाना है कि ये लोग लगभग 1,00,000 बीज बॉम्ब बना करके इस क्षेत्र में, जो जहाँ पर वनों का कटाव हुआ है वहाँ पर इनको फैलाएंगे। और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के, गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इसके लिए कार्य योजना शुरू की गई है। और ये स्वयंसेवी संस्थाएं, ये वॉलंटियर्स स्वयं के अपने प्रयासों से आगे आए हैं। और जहां कई लोग समस्याओं को देखते हैं, समस्याओं के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, वहाँ इन छोटे छोटे बच्चों ने और स्पेशली एबल्ड बच्चों ने। बेटो आप क्या कर रहे हो? बेटो हम लोग मिट्टी को बारीक कर रहे हैं जितना हो सके, और तब उसका सीड बॉम्ब बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में बीज बॉम्ब बनाए और पीपल, अमलतास, गुलमोहर, इस तरीके के खूबसूरत बीजों को इन मिट्टी के वर्मी कंपोस्ट के बीज बॉम्बों के अंदर भर के जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। कई लोगों के लिए मिट्टी में काम करना, मिट्टी के साथ हाथों को मिट्टी में वो करना बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और इनमें से कई बच्चों का ने पहली बार जीवन में मिट्टी के साथ खेला और मिट्टी के साथ बीज बॉम्ब बनाने भी सीखे, जो कि उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। अग्याल संस्था इस तरीके के कार्यक्रमों को आगे भी करती रहेगी और इस मुहिम को, जिसका नाम है 1 से 1.25 करोड़ तक, इसे वृद्ध लूप पे ले जाना चाहती है, जिसके लिए आप इस संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें पहाड़ों में जो बंजर होते हुए खेत हैं, बंजर होती हुई ज़मीनें हैं, उनमें भी बांज और बुरांस का प्लांटेशन करने की मुहिम है। और इसका नाम 1 से 1.25 करोड़ तक भी इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड की जो मूल आबादी है वो 1.25 करोड़ के लगभग है, और ये माना गया है कि हर किसी के नाम से एक पेड़ यह संस्था आने वाले सालों में उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर इसी तरीके की मुहिम कर चलाकर लगाएगी। आप भी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं, एज ए वॉलंटियर इसमें जुड़ सकते हैं। और आने वाले 3 जुलाई को संस्था आशारूढ़ी चौकी पर जो ये वृद्ध कार्यक्रम करने वाली है, इस कार्यक्रम का भी आप पार्ट बन सकते हैं।